जय हिंद साथियों, मैं आकाश शेखावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद्यालय में। आज काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट जो कि SSC GD में अभी हाल फिलहाल में पूछे जा सकते हैं और उनकी संभावना है पूछे जाने की, ठीक है। तो हम आज ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक प्रकार से थ्योरी समझ लीजिएगा, इनको ओवरऑल जैसे कि जल्दी जल्दी से इनको देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके SSC GD में जो कि अभी हाल फिलहाल में एग्जाम चल रहे हैं। तो आने वाले जिस किसी में मेरे भाई बहन का जो कि एग्जाम हो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए महत्वपूर्ण विलोम शब्द याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला है आरंभ, यानी कि इसको बोलते हैं अत। अत का विलोम शब्द क्या बनेगा? अत का होता है इति। इति माने क्या होता है सर? इति माने होता है समाप्त। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इति का मतलब क्या होता है? समाप्त होता है। अगला आता है आबिस। आबिस को क्या बोलते हैं? आबिस को बोलते हैं निराबिस। याद रखिएगा आबिस को क्या बोलते हैं? निराबिस। और आरोह को क्या बोलते हैं? अवरोह बोलेंगे। जैसे कि आरोही क्रम अवरोही क्रम आपको पता होगा, घटते क्रम बढ़ते क्रम, ठीक है। इस हिसाब से आरोह अवरोह हो गया। अग्नि, अग्नि को जानते हैं, अग्नि का जल होगा सभी को पता होगा, ठीक है। आश्रित, आश्रित का आएगा निराश्रित, ठीक है, क्या आएगा? निराश्रित। अकाम, अकाम का क्या होगा? सुकाम, ठीक है। अकाम का क्या होगा? सुकाम। अर्पण क्या क्या होगा? ग्रहण, ठीक है। तो क्या ये आपको सभी को याद हुए? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को याद हो गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे हम, बात करेंगे अपना अगला, ठीक है। अगला है, अगला शब्द होता है आपका आविर्भाव। आविर्भाव काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इसको नोट कर लीजिएगा हेडलाइन बना के। सर अगला क्या पड़ता है? अगला पड़ता है नूतन। नूतन यानी होता है नया, नया होता है अपरातन माने पुराना, ये तो बात क्लियर होगी होगी। तरुण, तरुण होता है युवा, यानी कि अभी हमारी जो अवस्था है वो कैसी है? युवा अवस्था। तो उसका क्या हो जाएगा? आपका अपोजिट क्या हो जाएगा? आपका वृद्धि। तरुण का क्या हो जाएगा? वृद्ध, सॉरी वृद्ध हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बूढ़ा। हस्व, हस्व यानी कि छोटा, दीर्घ यानी कि बड़ा, ये याद रखिएगा। और आता संपन्न, संपन्न यानी कि संपन्न, और उसका अपोजिट क्या होगा? विपन्न, ठीक है। अगला आएगा शुष्क, शुष्क का अपोजिट क्या होगा? आद्र होगा। ये बात आप याद रखिएगा, बात क्लियर हो चुकी होगी उम्मीद करता हूँ, समझ रहे हैं। अब आता है अपेक्षा। उपेक्षा का क्या होगा? उपेक्षा यानी कि उपेक्षा करना किसी से, और इसका इससे क्या होगा? अपेक्षा, क्या होगा इसका? अपेक्षा, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अपेक्षा यानी कि उपेक्षा क्या होता है? आपका इग्नोर करना, और उपेक्षा किसने कहा था? किसी से लगा हुआ है मेरा, ये बात याद रखिएगा। जागृत, जागृत क्या होगा आपका? जागृत का होगा सुसुप्त, ये क्या होगा? सुसुप्त होगा, किसका? जागृत का, ये बात आप याद रखिएगा। अगला आएगा नैसर्गिक, 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 नैसर्गिक मतलब होता है, ये वर्ड सप्त जरूर याद रखिएगा कि कहाँ पे राग की मात्रा लगानी है, कहाँ नहीं लगानी। तो इसका होता है कृत्रिम, यानी कि नैसर्गिक माने होता है जैसे कि आम इंसान लोग बनाते हैं, ठीक है, वो होता है नैसर्गिक। और कृत्रिम यानी कि प्रकृति द्वारा, ठीक है, कृत्रिम यानी कि कृत्रिम, कृत्रिम अवस्था में, नैसर्गिक होता है प्रकृति द्वारा, ठीक है, ये बात याद रखिए। कुदरती होता है प्रकृति द्वारा, नैसर्गिक होता है, ठीक है। और जैसे कि आपको वृद्धि यानी कि यह पता चल गया, ध्रुवा, हस्व माने दीर्घ हो गया, संपन्न का विपन्न हो गया, ये बात याद रखिए। शुष्क को आद्र होता है, उपेक्षा अपेक्षा होता है, जागृत सुसुप्त होता है, नैसर्गिक माने कृत्रिम होता है, ठीक है। अगली बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में अपना पहला आज आज का शब्द आएगा जो होता है दृष्ट। दृष्ट क्या होता है? विनम्र, विनम्र यानी कि आप जैसे कह सकते हैं विनम्र यानी कि एक प्रकार से निम्रता पूर्वक, और दृष्ट यानी कि कठोर अवस्था में, ठीक है, इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। और अगला आता है विधि। विधि का वर्ण होता है निषेध, ठीक है, विधि यानी कि निषेध। आप देख, आपने बोर्ड वगैरह देखे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे पार्किंग करना निषेध है, ठीक है, जिसका जैसे इस तरह से बनाते हैं निषेध, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपका निषेध का सिग्नल वगैरह होता है, मतलब इस हिसाब से ही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्थान, स्थावर। स्थावर का अर्थ होता है, इसका अपोजिट होगा जंगम। अब आगे अगला आएगा निर्दय। निर्दय यानी कि सर्दय, ये आपको निर्दय को पता होगा, ये उम्मीद करता हूँ आप सभी जानते होंगे अच्छे प्रकार से। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ क्या क्या मतलब होता है? बहुज्ञ, बहुज्ञ हो गया इसका अपोजिट। अगला क्या आएगा? आलोक, आलोक काफी इंपोर्टेंट वर्ग है, ये याद रखिएगा। आलोक, आलोक को बिल्कुल मत भूलिएगा, आलोक इसका मतलब होता है तिमिर, यानी कि इसका अपोजिट क्या होगा? तिमिर होगा, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए स्थावर, आप यहाँ पे स्थावर जो है इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। और एक गुरु, गुरु का देखो, गुरु का इम्पोर्टेंट है ये लघु होता है, गुरु शिखर यानी कि ऊंचा, ऊंचा जो होता है, ठीक है, जैसे आपने देखा हो गुरु शिखर हो गया यानी कि ऊंचा चोटी, लघु यानी कि सूक्ष्मतम, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। और एक आता है वर्ड आपका आता है, शब्द आता है आपका निरामिस। निरामिस का
अपोजिट क्या होगा? आमिष, ये बात आप याद रख सकते हैं। अगला आता है निर्दय। निर्दय का अर्थ तो क्या होता है? बंद। बंद क्या होगा? इसका अपोजिट होगा उन्मूलन। और ये आएगा रोपण। ठीक है, किसी को जैसे आप उन्मूलन करते हैं, आपने वृक्षारोपण, वृक्षारोपण जैसा होता है उन्मूलन, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन नहीं मतलब जो कि आपको इम्पोर्टेंट वर्ड थे, इनको मोटा मोटा आप याद कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं आपने आने वाले क्वेश्चन को जो कि आप एग्जाम में देने जाएंगे। एग्जाम विद्यालय सर्च कीजिएगा। क्या करना है आपको? टेलीग्राम चैनल पे एग्जाम विद्यालय सर्च करना है। एग्जाम विद्यालय सर्च करना है किस पे? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको जो कि मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको? ग्रुप मिल जाएगा, वहां पर अपने अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। मुझे फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझसे मिल सकते हैं। आईजी क्या नाम है? ए स्मॉल में है, ए के ए एस एच आकाश एस आई आर। यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए जाते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल यहाँ पे मुझे ऐड कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं आप। ठीक है, वहाँ पर आपको सीजीएल के यो की आपके लिए जो कि आपको मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आने वाले एग्जाम में पूछने की संभावना है या उन कॉन्सेप्ट से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।